अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खजर हयात। इन टुडेज़ क्लास ऑफ पाकिस्तान हिस्टरीज़ वी विल डिस्कस द टॉपिक 4, दैट इज़ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम अपने इस टॉपिक में फॉरेस्ट चैप्टर, जो कि यूनिट 4 है पाकिस्तान स्टडीज़ जोग्राफी द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान बुक का, आज हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इट। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये दो सब डिविजन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, एक प्रोडक्टिव और एक प्रोटेक्टिव। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरली डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्लोज्ड कैनोपी के साथ, और इनकी ग्रेट कमर्शियल वैल्यूज, इनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यूज होती हैं, जो कि नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। जबकि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो होते हैं वो हम उनको एक तरीके से कहते हैं इरीगेटेड लीनियर फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब खुद ही उगाए गए जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, या खुद ही बनाए गए फॉरेस्ट, खुद ही लगाए गए फॉरेस्ट हम उनको कहते हैं। और ये हमारे पास मैन मेड होते हैं, मतलब ये नेचुरली फॉर्म नहीं होते बल्कि इनको बनाया जाता है, लगाया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, जो कि रोड्स के साइड पे हों या रेलवेज के साथ चल रहे हों, या एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट करने के लिए, किसी भी एरिया को रिक्लेम करने के लिए हम वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वहाँ लगाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एल्पाइन फॉरेस्ट, कॉलीफेरस, सब ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल थॉर्न, रिवराइन, बेला फॉरेस्ट और मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो ये वो 6 टाइप्स हैं फॉरेस्ट की जो हम अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन के साथ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, इनकी टाइप्स के साथ और इनकी प्रोडक्ट्स के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देख लेना। सबसे पहले क्या है कि भाई इट इज़ अ सोर्स ऑफ टिम्बर और अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज इन आर डेली लाइफ। सबसे पहले हमें ये वो रॉ मटेरियल्स देते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और जिनकी मदद से हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गई, ट्रेन कंपार्टमेंट्स हो गए, बिग बॉक्सेस हो गई, टूल्स हो गई, टिम्बर वगैरह, एक सारी चीज़ें क्या हैं उसके काम आती हैं। पेपर मेकिंग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वुड जो होती है हमें जो फॉरेस्ट से हासिल होती है पेपर मेकिंग के लिए। उसके अलावा जो फायर वुड्स होती हैं, जो फ्यूल वुड्स होती हैं, वो भी एक यूज़ होती हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, जैसे खाना बनाने के लिए जो विलेजेस के अंदर वुड्स यूज़ होती हैं, जब स्टीम इंजन हुआ करते थे उससे कोल वगैरह यूज़ होता था वाइडली। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक इम्पॉर्टेंस है फॉरेस्ट की। इसके बाद जो हर्ब्स वगैरह और दूसरी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, उसके तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, और जो हर्ब्स वगैरह की मदद से जो मेडिसिन बनती है उसके काम आती है। एरिया को एक बहुत अच्छा एक लुक देती है, सीनिक ब्यूटी देती है किसी भी एरिया को, उसके लिए भी यूज़ होती है। और एक हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एफॉरेस्ट्रेशन की वजह से जो इन्वायरमेंटल जो हमारे पास लॉस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास और ज़्यादा क्या होती है एब्जॉर्ब करते हैं ये फॉरेस्ट, उस तौर पर भी हमारे पास काम आते हैं फॉरेस्ट। इसके साथ साथ जो कॉजेस ऑफ रेनफॉल होती हैं, जो एक इट्स ऑल्सो कॉज ऑफ रेनफॉल और वाटर प्रोटेक्ट करता है ये जिस वेस्ट होने से, जैसे हमने बात की थी कि जब हमारे पास फॉरेस्ट होंगे, जब हमारे पास हैवी रेनफॉल होती है तो उसके बाद जो फॉरेस्टेड एरिया होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अंडरग्राउंड टेबल फॉर्म हो जाती है। अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होते तो हमारे पास सरफेस रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इरोजन स्टार्ट हो जाती है एक्सपोज सॉइल की। इसके बाद वो हमें फ्लड और ड्रॉट से भी बचाते हैं जो फॉरेस्टेशन होती है, और एक नेचुरल हैबिटेट होती है वाइल्ड लाइफ के लिए। अब इनके एल्टीट्यूड्स देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र उनके एल्टीट्यूड्स पे डाल लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी ट्री का, जो हमें एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, उसके एवरेज एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। एल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो 4000 मीटर से अबव होता है, कॉनिफेरस 1000 और 4000 मीटर के बीच में होता है, सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट 1000 मीटर से नीचे होते हैं, और सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी 1000 मीटर से नीचे होते हैं। रिवराइन और बेला फॉरेस्ट भी 1000 मीटर से नीचे ही हमारे पास लाई करते हैं, मैनग्रूव जो है वो 200 मीटर के और सी लेवल के बीच में लाई करते हैं, जबकि इरीगेटेड प्लांटेशन जो होती है वो भी हमारे पास 1000 मीटर से नीचे होती है। इट्स मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि एल्पाइन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट वो वाहिद फॉरेस्ट हो जाए जो 1000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में लाई करते हैं, इट्स मीन दे हैव हाई एल्टीट्यूड। ये थोड़ा सा मैप फॉरेस्ट कवर कितना एरिया को करता है, हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हैं, सब स्क्रब एंड अदर नॉन कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हमारे पास अपर पंजाब प्लेन पे, उसके बाद रिवराइन फॉरेस्ट अलॉन्ग द रिवर्स, और हमारे पास जो है वो सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं जिनको हम राख फॉरेस्ट कहते हैं, वो मोस्टली पाकिस्तान को कवर कर रहे होते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट को।
एरियाज ऑफ एल्पाइन फॉरेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? सबसे मेन एरिया जो एल्पाइन फॉरेस्ट के हमारे पास नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर ये लाए करते हैं, सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं। चित्राल, DIR, सवात, शांगला और कोहिस्तान इनके मेन एरियाज हैं एल्पाइन फॉरेस्ट के। जैसे रिंग बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, इन एरियाज के अंदर ये मोस्टली फाउंड होते हैं। इसके बाद स्पीशीज एल्पाइन फॉरेस्ट के सिल्वर फिर, जूनिपर और बेर्च होते हैं, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज होती हैं। इसके बाद फीचर्स इसके क्या होते हैं कि ये शॉर्ट होते हैं हाइट के अंदर, दे हैव थिक फ्लैशिंग लीव्स विच आर नैरो। अच्छे शॉर्ट होते हैं हाइट के अंदर, लेकिन ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, इस वजह से ग्राउंड लेवल से इनका एल्टीट्यूड हमेशा 4000 मीटर आ रहा होता है। ये खुद तो शॉर्ट होते हैं हाइट में, लेकिन ये हाई एलिवेशन पे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, बहुत ऊंचाई पे होते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज में हमने देखा है कि नॉर्दर्न एरिया तो है ही एलिवेटेड एरिया और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एरिया, प्लेट्यूज से भी ज़्यादा अबव है, तो उधर ये लाए करते हैं। इनके बहुत थिक और फ्लैशी टाइप के और नैरो पतले लीव्स होते हैं और इन लीव्स के ऊपर हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं। इसकी ये पहचान है कि इसके लीव्स के ऊपर हल्के हल्के हमें हेयर दिखते हैं हमारे पास। इनके जब लीव्स को हम टच करेंगे तो हम ऐसा फील होगा कि इसके स्मॉल हेयर्स हैं। इसके बाद इनके जो ट्रंक्स होते हैं, जो इनकी लकड़ी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसकी लॉन्ग स्प्रेडिंग ब्रांचेस होती हैं। और ये क्या होते हैं, ग्रो क्लस्टर, क्लोज क्लस्टर के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब साथ साथ ग्रो करते हैं, इतना ज़्यादा गैप से ग्रो नहीं कर रहे होते। इसके बाद हम देखते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट को। एरियाज जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हैं, सबसे पहले हम रिंग्स देखते हैं। रिंग्स हमारे पास क्या नॉर्थ में शो कर रहे हैं और एक हमारे पास बलूचिस्तान प्लेट्यू के नॉर्थ पे शो कर रहे हैं, जो हमारे पास कोयटा साइड और जोब वैली वगैरह की तरफ। इसके मेन एरियाज एबटाबाद, कोहिस्तान, सवाद, इस्लामाबाद, कोयटा, मानसहरा, शांगला, रावलपिंडी, कलात और मलीर हैं। ये मेन एरियाज है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के, जैसे हमारे पास मेनली नॉर्थ के, जैसे अबटाबाद, कोहिस्तान, सवात इस तरफ लाई करता है हमारे पास नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। इस्लामाबाद अपर इंडस प्लेन, अपर पंजाब प्लेन के पास, क्वेटा हमारे पास बलूचिस्तान प्लेट्यूज, मानसहरा, शांगले इसके मेन एरियाज हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट की स्पीशीज कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर डियोडर, चेर, मेपल, बिर्च, वॉलनट, एकॉर्न, स्प्रूस, केल, विलो, पॉपलर और जूनिपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं इसके पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि CIE से हमें पूछा जा सकता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो यूजुअली इन कूल हिली एरियाज। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमारे पास कूल और हिली एरियाज के अंदर ही क्यों फॉर्म होते हैं? सबसे इसकी मेन चीज़ का जवाब ये है कि इसकी जो थिक बार होती है, जो इसका एक थिक जो इसका ट्रंक होता है वो टॉलरेट करता है, जो इसका थिक ट्रंक होता है वो एक टॉलरेट करता है कोल्ड टेम्परेचर को, मतलब वो उसको बेयर कर सकता है। इसके बाद ये है कि ये जो ट्री होता है ये पतली से पतली और पुअर से पुअर सॉइल के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। इस ट्री के अंदर कोई हमारे पास एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो या एलुवियम सॉइल हो या फ्रेश एलुवियम सॉइल हो या कोई सी भी, या हमारे पास एलुवियम या सिल्ट सॉइल हो या एलुवियम या सैंडी सॉइल हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये पुअर से पुअर सॉइल और थिन से थिन सॉइल के अंदर सर्वाइव कर जाता है। इसकी क्वालिटी और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके स्लोप्स होते हैं हमेशा एक कॉनिक शेप, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि कोन एक शेप होती है जिसकी स्लोप्स होते हैं साइड पे, ये हमेशा उस तरह पे होता है। और इसका स्लोप का होने का मकसद भी ये है कि इसके ऊपर हमेशा स्नो जो है वो ज़्यादा रहती नहीं है, बल्कि स्लिप ऑफ हो जाती है। ये स्नो एरियाज में जब होते हैं, जब इनके ऊपर स्नो फॉल होती है, तो ये इसकी स्लोप्स की वजह से वो स्लाइड ऑफ होकर नीचे चली जाती है। इसके बाद इनके जो लीव्स होते हैं वो एक वैक्सी और नीडल्स के तरीके से होते हैं, मतलब एक पॉइंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंटेड होते हैं और वैक्सी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। तो हमारे पास जो जब भी इसके वैक्सी होने की वजह से ही हमारे पास जो स्नो है वो स्लोप की वजह से नीचे चली जाती है, गिर जाती है, इसके ऊपर स्टे नहीं करती। इसकी शैलो रूट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, जो कि हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर से हासिल कर लेती हैं सारा पानी, और ये हमेशा एवर ग्रीन होते हैं। एक जो प्रॉपर्टी है आपको हमेशा, ये एवरग्रीन वाली जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये कॉनिफेरस की होती है। एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब ये नहीं है कि इसके जो लीव्स हैं वो शेड नहीं होते, ऐसा इम्पॉसिबल है कि किसी भी ट्री के लीव्स जो हैं वो शेड ना हो, बल्कि ये इस मैनर में गिरते हैं, इसके पत्ते इस मैनर से शेड होते हैं कि जब जितने वो शेड होते हैं उसी वक्त उसके थोड़े टाइम बाद फौरन ही अल्टरनेटिवली वैसे आ जाते हैं, मतलब कि एक साथ शेड नहीं करता, ये थोड़े थोड़े हिस्से में शेड करते हैं अपने लीव्स। ऐसा नहीं कि एक साथ ही कॉनिफेरस के सारे लीव्स शेड हो गए और फिर एकदम ही से बने, ऐसा नहीं होता, ये थोड़े थोड़े करके शेड करते रहते अपने लीव्स। इसके बाद
जो दूसरा मेन क्वेश्चन होता है वो ये कि जो डिफरेंस पूछते हैं आपसे एवरग्रीन और डिसाइडस फॉरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस ये होता है कि एवरग्रीन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन के अंदर क्या होता है कि वो अपने लीव्स जो है वो एक साथ शेड नहीं करता बल्कि थोड़े थोड़े टाइम में शेड करता है, और जबकि डिसाइडस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने एक साथ सारे लीव्स को शेड कर देता है, और स्पेशली विंटर्स के अंदर। ये इनका मेन डिफरेंस होता है एवरग्रीन और डिसाइडस का। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एल्पाइन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई एल्पाइन कौन सा है और कॉनिफेरस कौन सा है। सबसे मेन चीज़ तो इनकी एल्टीट्यूड आ जाती है। देखो हर चीज़ को हम जब देखेंगे, किसी भी फॉरेस्ट को देखेंगे, तो हम उसके एल्टीट्यूड से उसको सबसे पहले जज करते हैं। अगर वो 4000 मीटर से अबव है तो ऑब्वियसली इट्स एल्पाइन फॉरेस्ट। जब कॉनिफेरस की बात करें तो 1000 मीटर से 4000 मीटर तक होता है, दैट इज इनफ। 4000 मीटर से कभी भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक्सीड नहीं करता है। तो जो 4000 मीटर से अबव है एल्पाइन है, जो 4000 मीटर्स पे या उससे नीचे वो कॉनिफेरस है हमारे पास। इसके बाद हम देखेंगे जो स्मॉल इन साइज है वो हमारे पास क्या है, जिनकी वो एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी ग्रोथ हमारे पास बहुत ही स्लो होती है, और बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड लेस सनलाइट। लो टेम्परेचर क्या होता है, हमारे पास जितने भी नॉर्दर्न साइड है उसका हमारे पास लो टेम्परेचर होता है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास गर्मी जो है 25 डिग्री पड़ती है, इससे कभी भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। हमारे पास एल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हाई एलिवेशन पे होते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि कॉनिफेरस जो ट्रीज होते हैं हमारे पास वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और बिल्कुल टॉल होते हैं, और जो कि सनलाइट को आराम से अचीव कर सकते हैं, सनलाइट को आराम से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि किस तरीके से दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पर्स होते हैं, स्पार्स वेजिटेशन होती है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग बहुत दूर दूर एरियाज पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, और बिल्कुल स्कैटर्ड हुए वो होते हैं। इसके बाद एरियाज ऑफ सब ट्रॉपिकल थॉर्न देखेंगे कि ये वो वाली स्पीशी है, ये वाली हमारे पास प्लांट की टाइप है जो कि इंटायरली पाकिस्तान को कवर कर रही होती है, एक लार्ज एरिया जो है पाकिस्तान का वो कवर कर रही होती है। जैसे हमारे पास पंजाब प्लेन है, वेस्टर्न बलूचिस्तान है, साउदर्न सेन है, इनको पूरा कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा रिंग जो शो कर रहा है, इतने एरिया को पंजाब साइड कवर कर रही होती है और बलूचिस्तान और सिंध साइड को इतने एरिया में कवर कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, एकेसिया, टमरिस्क और सेल्वाडोरा, ये तीन जो है हमारे पास मेन स्पीशीज़ होती हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। इसके बाद फीचर्स इसके देख लेते हैं कि ये जो ड्राई सीजन्स होते हैं इसके अंदर ये लीवलेस होते हैं, मतलब ये एट अ टाइम जो है अपने सारे जो है लीव्स हैं वो उसको शेड डाउन कर देते हैं। इसके बाद जो है जो ग्राउंड होती हैं इनके पास जो ज़मीनें होती हैं उस ज़मीन पे हमारे पास बंचेस जो होती हैं वो स्मॉल प्लांट्स की होती हैं, जो बुशी टाइप हमारे पास जो होते हैं वो प्लांट्स मौजूद होते हैं उन एरियाज के ऊपर। इसके बाद इनके अंदर कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं, एक कांटे वाले जो इनके जो एक फीचर्स होते हैं वो कांटे इनके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब कि अगर आप इसको कोई जब एरियाज के अंदर जो जानवर वगैरह इसके अंदर फंस जाते हैं तो वो उनको एक तरीके से क्या कर देते हैं, जख्मी वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वो थॉर्न होते हैं। इसका मतलब इसके बाद ये होता है कि दीज फॉरेस्ट कैन कैच दी फायर फ्रिक्वेंटली इन दी हॉट समर्स। समर्स के अंदर ये क्या होता है कि ये बहुत जल्दी फायर को जो है कैच कर लेते हैं, और इनके बाद क्या होता है इसकी रूट्स जो होते हैं वो बहुत डीप होती है, मतलब जब एक एक ऐसा एरिया जहाँ पर इरीगेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप होंगी कि वो अंडरग्राउंड वाटर से अपना पूरी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल ऑफ कर रही होंगी। इसके बाद जो है वो ये 6 to 8 meters हाइट की होती है, इनकी इससे ज़्यादा नहीं होती, बस ये मैक्सिमम इनकी हाइट होती है 6 to 10 meters। रीजंस फॉर द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में सबसे पहले रीजन ये होता है कि ये पूरे ड्राई सीजन के अंदर लीवलेस रहते हैं, जो कि एवपोट्रांसपायरेशन रेट को कम करता है। इसके बाद इनके जो छोटे छोटे जो उनके कांटे हैं, जो थॉर्न्स हैं, वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रेडेटर से, शिकारी एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, उस वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इनकी ग्राउंड होती है वो बिल्कुल टफ्ट होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से और लो रेनफॉल की वजह से बिल्कुल एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड हुई हुई होती है, और ओवरग्रेजिंग जो होती है एनिमल्स की वो भी एक कंट्रीब्यूशन करती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसके बाद जो है फायर जो होती है बिल्कुल तेजी से लग जाती है हॉट टेम्परेचर की वजह से, फौरन ये दे कैच फायर्स बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परेचर, इसकी वजह से भी ये बहुत ड्राई एरिया हो जाता है। और उसके बाद जो इसकी रूट्स होती हैं वो पहले इतनी अंडरग्राउंड होती है, वो सारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को वैसे ही खींच चुकी होती हैं, तभी ये जो एरियाज होते हैं मोस्टली हम कह सकते हैं कि बैरन एरियाज होते हैं या बहुत ड्राई एरियाज होते हैं, जो कि दूसरे क्रॉप्स के लिए कल्टिवेशन के लिए एक बहुत ज़्यादा
टफ चैलेंज होता है। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है। भाई ये एक यूज एज अ फ्यूल, फायरवुड के तौर पे यूज करते हैं, और ये जो एरियाज होते हैं वो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए होते हैं। जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं जो लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे होते हैं, वो अपने एनिमल्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं लाके ग्रेजिंग के लिए। इसके बाद मेडिसिनल यूज के लिए यूज होते हैं। उसके बाद जो है वो एक हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ के जो रहने वाले जो होते हैं, जो वहाँ पे स्नेक्स वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं उन एरियाज के अंदर रहते हैं, और जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो बुशेस वगैरह के अंदर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। अब एरियाज फॉर दी सब ट्रॉपिकल ऑफ ड्राई फॉरेस्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, सॉल्ट रेंज, काला ड्रिटा रेंज और सभीमान रेंजेस। ये हमारे पास टॉप नॉर्थ एरिया जो हमारे पास है वहाँ पर हमारे पास सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट लोकेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पीशीज जो होती हैं इसके अंदर, वो हमारे पास चेस्टनट, वॉलनट, जूनिपर, ओक, पुला और चेयर, ये हमारे पास सिक्स जो है वो मेन स्पीशीज होती हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की, नॉट थॉर्न ड्राई फॉरेस्ट। इसके बाद फीचर्स इनके क्या होते हैं, भाई ये एवरग्रीन और डिसाइडर्स होते हैं, इनके अंदर दोनों टाइप्स होती हैं, थॉर्नी स्पीशीज होती हैं, इनकी भी छोटे छोटे इनके अंदर भी कांटे वगैरह होते हैं, स्मूथ टेक्सचर ट्रंक होते हैं इनके, स्मूथ होते हैं, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होते हैं। इसके बाद ब्रॉड लेदरिंग लीव्स होती हैं, लेदरिंग लीव्स होती हैं इनके पास, मतलब कि जो जितना भी वाटर वगैरह है, जितनी भी स्नोज वगैरह होती हैं वो इसके ऊपर से रन ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद स्कैटर्ड पैची वेजिटेशन होती है, मतलब एक डेंसली नहीं होती है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे इनकी वेजिटेशन होती है, पूरा एक डेंस नहीं होता ट्री, पूरा फिलअप नहीं हुआ होता लीव से, बल्कि एक पैचेस में होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होती है सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की, सबसे पहले तो एक फ्लड को रोकने के काम आता है, ये एब्जॉर्ब करता है, चोक करता है और पानी को स्टे करवाता है अपने पास, ना कि उसको आगे फ्लो होने दे। सप्लाई ऑफ फायरवुड्स जो लोग होते हैं इसको एक फायरवुड भी यूज कर रहे होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी होती हैं ये जगहें लाइव स्टॉक के लिए, जो नॉर्थ के एरियाज में जो फार्मिंग की जा रही होती है, या कैटल फार्मिंग हो रही होती है, या किसी भी तरीके की फार्मिंग होती है, वो तो एक ग्रेजिंग ग्राउंड्स होती हैं उनके लिए, उनके लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर। रिवराइन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि रिवर्स का वर्ड इसके अंदर आ रहा है, रिवराइन फॉरेस्ट। अब देखते हैं आगे चल के इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फीचर्स हैं। एरियाज जो है रिवराइन फॉरेस्ट के, ऑब्वियसली एट द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कोस्ट पर लाई करते हैं मोस्टली, जो रिवर इंडस है एंड इसके उसकी ट्रिब्यूटीज के पास जाया करते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ रिवर सिस्टम है या सी है, ये उधर के उधर एरियाज पर फाउंड होते हैं। अब रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो हमारे पास पंजाब प्लेन और सिंध प्लेन के ऊपर उधर लाया करते हैं, कवर एट फ्लड प्लेन्स, और मोस्टली जो है वो हमारे पास सिंध के अंदर फाउंड होते हैं। इसके बाद स्पीशीज रिवराइन फॉरेस्ट के हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, बाबुल, विलो, झंड, शीशम, ढाक, तमरिस्क, ये जो हमारे पास छः हैं ये बहुत मेन स्पीशीज हैं हमारे पास रिवराइन फॉरेस्ट की, जो कि पाकिस्तान में फाउंड होती हैं, जिसमें बाबुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक हाई कमर्शियल इसकी इंपॉर्टेंस होती है। जो बाबुल की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी फर्नीचर मेकिंग के अंदर, और इसका फर्नीचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फीचर्स क्या होते हैं इनके, लीनियर प्लांटेशन जो होती है, एक लीनियर तौर पर प्लांटेशन जो होती है, बैंक्स के जो रिवर के दरिए के किनारे होते हैं उनके ऊपर जो प्लांटेशन हुई होती है वो, और कमर्शियली इंपॉर्टेंस होती है इनकी बहुत ज़्यादा, एक बहुत कमर्शियली इंपॉर्टेंस, जैसे मैं आपको बताया कि बाबुल की लकड़ी जो होती है हाई कमर्शियल वैल्यू होती है उसकी, उससे बनने वाला फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है रिवराइन फॉरेस्ट की, कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी सोर्सेज होती हैं हमारे पास टिम्बर और वुड हासिल करने के लिए। दूसरा ये कि फ्लड को कंट्रोल करती हैं। तीसरा ये कि सॉइल इरोजन से हमें बचाती हैं, सॉइल इरोजन होने से हमें इट प्रिवेंट्स टू सॉइल टू इरोड, उसको सॉइल इरोजन होने से रोकती है। उसके बाद एवापोरेशन रेट जो होता है उसको रोकती है, उसको कम करती है एक तरीके से। और इसके बाद जो होती है वो एक हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के तौर पे भी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पार्ट वन ऑफ द फॉरेस्ट। होप के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर।